पूर्वी जिले की पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने एक कंपनी के 10 लाख रुपए लेकर फरार हुए कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 48 वर्षीय अतुल दुबे के पास से पुलिस ने कुल रुपए बरामद कर लिए हैं। आरोपी अतुल दुबे गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला है। पूर्वी जिले की डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि 30 जून को पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र स्थित नीलकंठ ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक मनीष ने कंपनी का पैसा लेकर फरार हुए अपने कर्मचारी की शिकायत पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र थाने में पहुंच कर दी। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने अपने कर्मचारी अतुल दुबे पुत्र नवीन चंद दुबे को HDFC बैंक से 9,90,000 रुपए निकालने के लिए भेजा गया था। अतुल दुबे ने बैंक से रुपए निकाले लेकिन वो वापस कंपनी नहीं लौटा। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे संदेह है कि उसका कर्मचारी पैसे लेकर भाग गया है, क्योंकि बैंक से पैसे निकाले काफी समय बीत चुका था और कर्मचारी का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना प्रभारी अरुण कुमार चौधरी ने धारा 408 के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए अक्षत कौशल ACP मधु विहार की सुपरविजन और अरुण कुमार चौधरी SHO पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र के नेतृत्व में SI नरेंद्र, हेड कांस्टेबल संदीप, हेड कांस्टेबल भूपेंद्र और नितिन राठी की एक टीम बनाई गई। इन्वेस्टिगेशन टीम ने 150 CCTV कैमरों की फुटेज की जांच से अपना काम शुरू किया। कंपनी और बैंक रूट की बारीकी से स्टडी की। सस्पेक्ट कंपनी से बैंक जिस रूट से गया था उस रूट को फिर से रिक्रिएट किया गया। सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए टेक्निकल सर्विलांस और खुफिया इंटेलिजेंस का जाल फैलाया गया। इन्वेस्टिगेशन टीम की मेहनत रंग लाई और सस्पेक्ट की UP में छुपे होने की खबर मिली। इन्फॉर्मेशन मिलते ही सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई छापे मारे गए। बड़ी भागदौड़ के बाद आखिरकार आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। गिरफ्तार आरोपी से चोरी की गई पूरी रकम 9,90,000 भी बरामद कर ली गई। इंटरोगेशन के दौरान आरोपी अतुल दुबे ने खुलासा किया कि वह कुछ वित्तीय संकट से गुजर रहा था और इसलिए उसने सोचा कि इस पैसे की चोरी करना उसके संकट से उबरने का सबसे छोटा तरीका है। इंटरोगेशन के दौरान आरोपी अतुल दुबे ने कबूल किया कि उसे पैसे की तंगी थी और एक साथ इतना सारा पैसे देखकर उसके मन में लालच आ गया था। शॉर्ट वे में जल्दी पैसा पाने के चक्कर में वो पैसा लेकर भाग गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।